सो so, हेलो दोस्तों कैसो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे सो so, सोगैज़ स्वागत है आपका लुबना ट्यूटोरिया सोफ़ा फैक्ट्री में सो so, सोगज़ हम ले आए हैं आपके लिए एक चेस्टर सोफ़ा जिसकी अभी फॉर्मिंग कंप्लीट होने वाली है सो so, आपको दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं सो so, सोगज़ जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बैक पे फॉर्म लग गई है ये हमारा एक चेस्टर सोफ़ा होने वाला है कॉर्नर चेस्टर सोफ़ा सो so, सोगज इसमें हमने दो कॉर्नर लिए हैं क्योंकि साइज़ ही इसका ये है तो ये यू सेफ में बनना है तो साइज़ के हिसाब से ही हमने ये कॉर्नर सोफ़ा सेट लिया है और गाइज इसका हैंडल पे जो वर्क हो रहा है तो हमने इस पर गोल हैंडल लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इस पर फॉर्मिंग बाकी है सो तो ये सात इंची का हैंडल है और दो इंची की फॉर्म लगने के बाद ये हमारा नौ इंची का हैंडल हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसकी सीट हमने देख सकते हैं सीट हमारी इसकी लूज सीट है सिर्फ कोने की हम फिक्स सीट बनाते हैं गाइज हम सिर्फ कोने की फिक्स सीट बनाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले कोने की फिक्स सीट है और कोने की भी फिक्स सीट है और बाकी की हम लूज सीट बनाते हैं और सीट की हम देख सकते हैं सीट की बात हम तो इसमें हुक लगते हैं हुक में तीन तीन कील लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं तीन तीन कील लगी हुई है और इस पर जिग जैग खिंची हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर जिग जैक खिंची हुई है अब इसके बाद हमारी निवाड़ और आएगी निवाड़ के बाद फिर लिट लोन फिर उसके बाद गद्दी लगती है सो जैसे कि आप देख सकते हैं सीट का ये हिसाब होता है और गाइज ये देख सकते हैं ये छोटा सा दीवान बनाया हमने क्योंकि साइज़ ही ऐसा था तो इस वजह से हमने ये बनाना पड़ा हमें इस वजह से सो इस पर भी आराम से दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं और गाइज़ फोम की बात की जाए तो चालीस डेंसिटी हमने लगाई है इस पर बैक पर है दो इंची जैसे कि अभी देख सकते हैं आप इस पर अभी हमने निशान लगा रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुल का चेस्टर सोफा होने वाला है तो इस वजह से हमने निशान लगाया है सात सात इंची पे सो काफी खूबसूरत होने वाला है सोफा फोम की बात की जाए तो फोम ये देख सकते हैं चालीस डेंसिटी की हम ये ले गा रहे हैं काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की फोम है ये ये देख सकते हैं आप सो हम सीट बाई सीट ये लगाने वाले हैं इसमें फोमिंग ये करने वाले हैं सो कंप्लीट फाइनल वैसे हो चुकी है फॉर्मिंग और इसकी सीट भी कंप्लीट हो चुकी है तो आपको सीट दिखाते हैं हम इसकी सो so, ये देख सकते हैं इसकी लूज सीट ये भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी बस इस पर फॉर्म लगनी बाकी है गद्दी सो so, ये वर्क मैं आपको बता रहा था इसमें इसके बाद इसमें निवाड़ लगती है निवाड़ के बाद इसके बाद अब इस पर लिटलोंग का वर्क होगा उसके बाद इस पर ये गद्दियाँ चिपकेगी सो so, गई देख सकते हैं ये लूज सीट है हमारी so, सो so इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स और सोफ़े में बताएं आपको ये सोफ़ा कैसा लगा बनने के बाद तो अभी इसकी फॉर्मिंग ही कम्प्लीट हुई है आई मीन नहीं हुई है बट अभी गद्दी रह रही है इसकी सो so दिखाते हैं मैं आपको और बताते हैं सो so इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स Saya kira ada kritik yang punya. De... ¿Cómo brillamos सो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमारा सोफ़ा सेट कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमारा सोफ़ा जो हमने इसमें वर्क किया है वो चेस्टर वर्क किया है सो अभी के लिए काफ़ी यूनिक सोफ़ा सेट है और ये आ, नया डिज़ाइन है ये भी नया ही डिज़ाइन है जो हमने इसमें बनाया है ये किसी की डिमांड थी इस वजह से हमने ये सोफ़ा बनाया है सो आपको इसके बारे में बताते हैं और आपको दिखाते हैं सो गाइस देख सकते हैं हैंडल जो हमने लिया है इसमें हैंडल हमने इसका गोल लिया है और हैंडल के ऊपर ये फ्लैप लिया है हमने दो इंची फोम का और गाइस इसके नीचे बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर पे हमने हैंडल हैंडल के सिर्फ बॉर्डर पे साइड हैंडल पे बॉर्डर पे हमने इस पर चेस्ट चेस्टर वर्क किया जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने इसकी सिलाई ले रखी है हमने चेस्टर वर्क की सिलाई ले रखी है हमने इसलिए ऐसे नहीं किया क्योंकि काफ़ी जब समय आता है तो जो ये होती है जो वर्क होता है ये वाला चेस्टर का इसमें प्लेन हो जाती है हमारी फैब्रिक इस वजह से हमने इसमें सिलाई का वर्क किया है और काफ़ी यूनिक भी लग रहा है ये जैसे कि आप देख सकते हैं और लेग की बात की जाए तो लेग हमने इसमें वही स्टील तीन इंची लगाए हैं और नीचे लेग के इसके बफर हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आध आध इंची के इसमें बफर है लेग में सो गाइज यही वर्क हमने इसके बैक पे किया है जैसे कि आप देख सकते हैं बैक पे भी हमने इस पर चेस्टर वर्क किया है और साथ में हमने इसमें पेस्टिंग कुसन भी दिए हैं हालांकि कोई देता नहीं है पेस्टिंग कुसन सिर्फ सो के आने कुसन देता है बट हमने इसमें पेस्टिंग कुसन दिए हैं जो काफ़ी यूनिक लग रहा है और इसकी सीट अब जाके इक्कीस इंची आ रही है वैसे बहुत गहराई में बना है पच्चीस इंची गहराई में बनाया गाइस और ये कुशन लगने के बाद इक्कीस इंची आती है तो कंफर्टेबल इंसान आराम से बैठ जाता है इस सोफ़े पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर पूरे पे हमने चेस्टर वर्क किया है जैसे कि आप देख सकते हैं ये चेस्टर वर्क है पूरे सोफ़े पर चेस्टर वर्क है इस पर पूरे सोफ़े पर हमने चेस्टर वर्क किया है और कुशन भी हमने इसके काफ़ी लार्ज और काफ़ी बिग बनाए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और हमने इसमें चैन भी लगाई है बट हमने सिले नहीं इसमें चैन लगाए हैं तो कवर भी मतलब कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसे और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं अभी गंदे हों तो दोबारा भी इसके कवर बन सकते हैं हालाँकि जब सारे सब जो भी वैसे रेडीमेड सोफे जो आते हैं उसमें सिलाई दे देते हैं कवर में बट हमने इसमें कवर दिए हैं सोफे में और गाइस इसके अब बॉर्डर की बात की जाए सोफ़े की फ्रंट बॉर्डर तो ये तो हैंडल था हैंडल पे भी देख सकते हैं हमने जो गोल हैंडल है इस पर हमने ये फेस लगाया गोल जो आता है रैम्बो शेर हमने इस पर ये वर्क किया है सो काफ़ी यूनिक लग रहा है ये भी उसका बॉर्डर देख सकते हैं बॉर्डर पे हमने इस पर आधा आध इंची की सिलाई दी है सो काफ़ी अच्छा लगता है और सीट जो गाइस इसकी सीट की बात की जाए तो सीट इसकी लूज है और हमने वन बाई वन सीट दिखा रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं सीट इसकी लूज है जो हमने अलग ये वर्क किया है सो काफ़ी यूनिक लग रहा है सोफ़ा सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप ये बताएं इस सोफ़े के कौन सा आपको सोफ़े का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा बैक का चेस्ट का या हैंडल का या इसका बॉर्डर का या सीट का सो गाइस बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सोफ़ा अच्छा लगा होगा सोफ़ा अच्छा लगा है या वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस और गाइस इसका बैग देख सकते हैं इसका बैक भी हमने गोल लिया है सो so, बैक ये देख सकते हैं हमने जो बैक इसके लिए बैक का ठीपर जो है बैक का ठीपर गोल है इसी कारण काफी खूबसूरत लग रहा है सोफा तो इसका बैक का वर्क दिखाते हैं हम so, सो साइडों में भी हमने इसमें पाइपिंग ली है अगर हम ऐसे पिन मारते तो अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने इसमें पाइपिंग ली है डबल पाइपिंग जैसे कि आप देख सकते हैं सारे पे ही डबल पाइपिंग हमने की है सो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वर्क काफी यूनिक हो रहा है इस पे ये देख सकते हैं आप सो so ये हमारा फाइनल टच है सोफे का जैसे कि आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं फाइनल टच हमारा ये है मैंने आपको फोमिंग दिखाई थी और अब डायरेक्ट फाइनल सोफा दिखा रहा हूं सो गाइज कमेंट बॉक्स में गैश करके बताओ इसकी कॉस्ट क्या होगी या इसके प्राइस क्या होंगे सो भाई इसके साथ साथ हम एक चीज़ और दिखाने वाले हैं जो मैंने इसकी वीडियो नहीं दिखाई थी आपको तो इसके साथ साथ हमने इसी फैब्रिक में ये दीवान सेट भी बनाया है जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये भी सो मतलब सोफे के कम्फर्टेबल में ही ये हमने बनाया है तो इसमें भी सेम वर्क होया हुआ है